अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम और आप देख रहे हैं एजुकेशनल टीवी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीजे अलाइड सर्विसेज की तरफ से लैपटॉप स्कीम 2020 के बारे में कि इस स्कीम के लिए कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह अप्लाई करना है, इसका टेस्ट कब होगा और इसका टेस्ट किस तरह का होगा। तो इसके लिए आपने गूगल में gjallied.com टाइप करना है तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। ये जीजे अलाइड सर्विसेज की वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो इस पे नीचे यहाँ पे आपने क्लिक हेयर फॉर अप्लाई, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे क्लिक हेयर डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट और डाउनलोड बैंक चलान, यहाँ से आप इसकी एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड बैंक चलान है, ये फ़ीस का चलान है, यानी अप्लाई करने से पहले आपने जो बैंक में फ़ीस जमा करवानी है उसका ये चलान आपसे यहाँ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है यानी आप 5 दिसंबर 2020 से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं और इसका टेस्ट जो है ये 20 दिसंबर 2020 को होगा। इसके अलावा कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? मैट्रिक स्टूडेंट्स, FSC, ICS, FA और DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, उसके बाद BA, BS, BSc और BEd के स्टूडेंट्स भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये जो ऊपर इनकी वेबसाइट का लिंक भी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा gjallied.com पे। तो इसके लिए अप्लाई करने से पहले जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपने रीड कर लेनी है, इसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। यानी ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपने ये ऊपर जो है ये डाउनलोड चलान फॉर्म, यहाँ से आपने जो चलान फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है और उसको फिलअप करके आपने पंजाब बैंक की किसी भी ब्रांच में उसकी फ़ीस जमा करवा लेनी है। तो उसके बाद जो उसकी एक कापी बैंक वाले रख लेंगे, एक कापी स्टूडेंट की होगी और एक जो है जीजे अलाइड सर्विस की उसकी आपने उसकी कापी आपने स्कैन करवा लेनी है। इसके बाद जो है आपने जो अपना चलान फॉर्म है वो बैंक में जमा करवाने के बाद आपने फिर ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के वक्त आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी स्टूडेंट का CNIC, फादर CNIC, उसके बाद लास्ट डिग्री है जो मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए मैट्रिक की डिग्री होगी, FA के लिए FA की और BA के लिए BA वालों की। उसके बाद यानी ये जो चार डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने JPG या PDF या JPEG फाइल में आपने इनको सेव कर लेना, यानी स्कैन कर लेना है। जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इनकी जो पिक्स हैं वो आपने वहाँ पे अपलोड करनी है। तो अप्लाई करने के लिए जब आपने इसी आपने ये लिंक ओपन करना है, इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो आप नीचे इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको टेस्ट का सिलेबस बताता चलूँ कि ये आपका जो है 60 मिनट्स का टेस्ट होगा, इसमें 100 MCQs होंगे जिसमें से 30% इंग्लिश के होंगे, 20% मैथमेटिक्स के, 20 जो हैं वो साइंस के होंगे और 15 जनरल नॉलेज के होंगे और 15 इस्लामिक स्टडीज़ के होंगे, यानी टोटल जो है वो 100 MCQs होंगे। और ये टेस्ट भी आपका ऑनलाइन होगा, यानी आपने ऑनलाइन ही इनको अटेम्प्ट करना है और ये 60 मिनट का यानी 1 घंटे का आपका टेस्ट होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये नीचे फॉर्म है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रांच आप अपने डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे, उसके बाद बैंक नेम है जहाँ पे आपने फ़ीस जमा करवाई है, उसके बाद ब्रांच कोड है, केस नंबर है, ये आपके जो है वो चलान फॉर्म के ऊपर लिखा होगा। उसके बाद पर्सनल डिटेल है, नेम, फादर नेम, CNIC, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, नीचे जेंडर मेल फीमेल, यहाँ पे आपने अपनी बर्थ जो है डेट ऑफ बर्थ है वो चूज़ करनी है, उसके बाद अपना करंटली होम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सिटी, स्टेट, उसके बाद पोस्टल कोड, कंट्री और इसके बाद यहाँ पे आपने अपने मैट्रिक या FA या बैचलर
उसके बाद अपने स्कूल का नाम, उसके बाद अपना क्लास नेम, उसके बाद यहाँ पे अपने मार्क्स, टोटल मार्क्स और आपके अबटेनिंग मार्क्स, उसके बाद जो है आपने यानी मैट्रिक कौन से ईयर में किया है। इसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपने जो अपनी लास्ट डिग्री है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद नीचे जो है अपना CNIC है उसकी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद जो आपकी जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है वो आपने स्कैन करके यहाँ से उसको भी अपलोड करना है। उसके बाद जो आपने बैंक में जो चालान जमा करवाया होगा उसकी जो पिक है स्कैन हुई है वो वहाँ से यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। तो इसके लिए उसके बाद नीचे यस पे क्लिक करके आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चलूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरिट पर आएंगे उनको ही ये लैपटॉप मिलेगा, तो जो मेरिट पर नहीं आएंगे उनको नहीं मिलेगा। तो आपका जो मेरिट किस तरह बनेगा, आपके जो डिग्री के मार्क्स होंगे 50% वो ऐड होंगे और आपके जो टेस्ट के मार्क्स होंगे 50% वो ऐड होंगे, यानी दोनों को मिला के आपका जो है वो मेरिट बनेगा और जो टॉप मेरिट पे होंगे उनको ये लैपटॉप मिलेगा। उम्मीद करता हूँ को आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।